आज हम इंसान केवल YouTube पर ही 5 बिलियन से भी ज़्यादा वीडियोस हर रोज देख लेते हैं और ये आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सी अजीबोगरीब वीडियोस देखने के बाद शायद आपको भी लगता होगा कि आपने इंटरनेट पर मौजूद ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दुनिया के किसी ना किसी कोने में हर पल कहीं ना कहीं कोई अतरंगी या फिर अनोखी चीज़ देखने को मिल ही जाती है। तो चलिए जानते हैं एक बार फिर से दुनिया की 10 सबसे अनोखी चीज़ें और घटनाओं के बारे में जिन्हें आज आप अपनी लाइफ में शायद पहली बार देखोगे। इनविजिबल क्लॉक शील्ड। दोस्तों, हैरी पॉटर सीरीज में जब इस इनविजिबल क्लॉक को दिखाया गया था तो ये चीज पहले पहल पूरी तरह से असंभव और काल्पनीय लगती थी, पर कनाडियन कंपनी हाइपर स्टिल्स के एक सीनियर इंजीनियर ने इस कल्पना को सच कर दिखाया, जिन्हें इस इनविजिबल क्लॉक को बनाने का आइडिया 2010 में मिलिट्री इक्विपमेंट्स को छुपाने के तौर पर आया था, ताकि कनाडियन आर्मी अपने टैंक या फिर गोला बारूद को दुश्मनों की नजरों से छुपा कर रख सके। बहरहाल, ये शील्ड्स काफी पतली और स्ट्रेचेबल है, जिसके पीछे आप चाहे खुद को छुपाएं और या फिर किसी अन्य चीज को। वैसे इसे कैसे इन्वेंट किया गया आज भी ये सीक्रेट है, पर इसका लॉजिक स्नेल्स लॉ पर बेस्ड है, जिसमें लाइट को ऑब्जेक्ट पर पड़ने से पहले ही बेंड कर दिया जाता है और ऑब्जेक्ट वहां मौजूद होते हुए भी ओझल हो जाता है। पाथ लेइंग मशीन। गाइस, रोड बनाना बहुत ही लंबा और थकान दे कार्य है, जिसमें ईंट और पत्थर वाले रोड्स बनाना तो बहुत ही टफ है, पर उसी का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है द टाइगर स्टोन, जिसे आप रोड लेइंग मशीन भी कह सकते हैं। हालांकि इसमें मशीन सीमेंट और चारकोल भी गेर सकती है, पर इसका सबसे बेहतरीन फीचर है ईंटों को ऑर्गेनाइज वे में सड़क पर बिछाना, जिसमें सबसे पहले ईंटों को मशीन के ऊपरी हिस्से में डाला जाता है, जिन्हें मशीन ऑर्गेनाइज करके जमीन पर खूबसूरती से बिछाती जाती है, जिससे सड़क बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। फ्रैक्टल वुड बर्निंग। आप ये जो देख रहे हैं इसमें करंट लकड़ी में ट्रेवल कर रहा है, और इस आर्ट फॉर्म को फ्रैक्टल वुड बर्निंग भी कहा जाता है, जिसे हंटर डोसेंट नाम के एक आर्टिस्ट ने डेवलप किया था। हालांकि आपने अभी तक काफी अलग अलग तरह के फर्नीचर डिजाइन देखे होंगे, पर मैं दावे से कह सकता हूं कि ये टेबल डिजाइन आपने पहली बार देखा होगा। इस प्रोसेस को करने के लिए लकड़ी पर कंडक्टिव केमिकल लगाकर उस पर पानी छिड़का जाता है, और जैसे ही लकड़ी के दोनों छोरों से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये आंखों को सुकून देने वाला करिश्मा देखने को मिलता है। हालांकि इस आर्ट फॉर्म से बने टेबल्स काफी खूबसूरत लगते हैं, पर यह आर्ट फॉर्म बहुत डेंजरस है, जिसे ठीक से परफॉर्म ना करने की वजह से कई लोग तो अपनी जान तक गंवा चुके हैं। पेपर स्कल्चर। गाइस, आपने हमारी पुरानी वीडियो में स्ट्रेचेबल चेयर्स जरूर देखी होंगी, पर क्या आपने कभी स्ट्रेचेबल स्कल्चर के बारे में सुना है? नहीं तो चलिए आज जानते हैं। एक्चुअली ये पेपर स्कल्चर्स बहुत सारे कागजों को गोंद के साथ चिपकाकर बनाए जाते हैं, और एक बार जब सभी कागज एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं तो इन्हें बेहतरीन ढंग से कलाकृति के आकार में ढाल दिया जाता है, जो कि देखने में वाकई बहुत खूबसूरत लगते हैं। फेलिक्स सैम्पल, जो कि एक क्यूबन अमेरिकन आर्टिस्ट हैं, अपने फेमस कल्चर नोटोरियस बिग के लिए जाने जाते हैं। इनफैक्ट फेलिक्स ने और भी कई पेपर स्कल्चर्स बनाए हैं, जिसकी वजह से आज फेलिक्स एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। लीफ ओपर निम्फ। गाइस, आपने अभी तक कई अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े देखे होंगे, पर यह है अनोखा लीफ ओपर निम्फ, जिसे डेविड वाइलर ने अपने कैमरा में रिकॉर्ड किया था। इस निम्फ की बॉडी पर उपस्थित ढेर सारे बाल इसके इस डांस को और भी खूबसूरत बना देते हैं, पर इससे भी ज्यादा रोचक है ये प्लांट ओपर निम्फ, जो कि अकल्पनीय है, क्योंकि ये देखने में ठीक वैसे ही है जैसे किसी पॉपकॉर्न के पैर निकल आए हों। इनफैक्ट अगर आप इसे पॉपकॉर्न के बीच में रख देंगे तो ये उनके साथ पूरी तरह से ब्लेंड हो जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि ये निम्फ अपनी बॉडी पर वाइट फ्लफी पदार्थ अपने डिफेंस के तौर पर डेवलप करता है, क्योंकि जैसे ही कोई जीव इसे खाने के लिए उठाता है तो ये निम्फ अपनी बॉडी पर डेवलप हुए उस पदार्थ को खुद से अलग कर देता है और वहां से भाग निकलता है। द पॉप्ड कॉर्न ऑन द कोब। अगर बात पॉपकॉर्न की हो ही रही है तो चलिए अब बात करते हैं कॉर्न ऑन द कोब की, जिसमें पॉपकॉर्न को डायरेक्ट भुट्टे पर ही पका लिया जाता है, जो कि देखने में काफी यूनिक और खाने में काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, पर इसे बनाना मुश्किल नहीं जबकि बहुत आसान है।
जिसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको भुट्टा सुखाना पड़ेगा, और जैसे ही भुट्टा सूख जाए तो उसे बैग में डालकर माइक्रोवेव की हीट में पका लेना है। और जब आप अपने भुट्टे को बाहर निकालते हैं तो टडा, आपके फुल्ले भुट्टे पर रेडी हैं भाई साहब। पिग गॉन ड्रंक। पॉपकॉर्न्स खाली हों तो चलिए अब बात करते हैं मक्के से बने बियर की। गाइस, ये तो हम सभी जानते हैं कि बहुत से जानवर हम इंसानों की तरह बहुत से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, पर क्या आपको पता है कि कुछ सुअर हम इंसानों की तरह शराब के शौकीन होते हैं। इनफैक्ट इस सुअर की हालत भी इसी वजह से हुई है, क्योंकि इस सुअर ने गड्ढे में दबा हुआ बहुत सारा मक्के से बना मूनशाइन मैश खा लिया था, और ठीक इसी तरह का प्रोसेस बियर बनाने के लिए किया जाता है। तो कहा जाए तो इस सुअर ने एक तरह से बहुत सारी बियर पी ली है, जिसकी वजह से ये सुअर हिल तक नहीं पा रहा था, और जब इसे खड़ा करने के लिए हिलाया गया तो देखिए क्या हुआ। हालांकि नशा उतरने के बाद ये पिग पूरी तरह से ठीक हो गया था। वैसे एक बार ऑस्ट्रेलिया में एक सुअर ने 18 बियर पी ली थी, जिसके बाद वो खुद को बाहुबली समझने लगा और गाय से लड़ने पहुंच गया था। लैमिनार फ्लो। गाइस, इस चीज को आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये जो चीज आप देख रहे हैं पहले पहल देखने में जमा हुआ पानी लगती है, पर जैसे ही आप इसे टच करते हैं तो बर्फ लिक्विड बन जाती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर इसे लैमिनार फ्लो कहा जाता है। और आपको ये बात जानकर और भी हैरानी होगी कि ये पानी कभी जमा ही नहीं था। इनफैक्ट इस प्रोसेस में लिक्विड एक ही फ्लो में सेम दबाव और वेलोसिटी के साथ बिना बबल क्रिएट किए पाइप से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से ये पानी देखने में जमा हुआ या फिर ठहरा हुआ प्रतीत होता है, पर असलियत में ये पानी लगातार सेम प्रेशर और फ्लो से ट्रैवल कर रहा होता है। ल्यूसिस्टिक येलो पेंगुइन। इस फोटो को देखकर आपको क्या लगता है, ये पेंगुइन असली है या फिर फोटोशॉप का कमाल? वेल, आपको बता दूं कि ये फोटोग्राफ 100% असली है, और साथ ही ये पेंगुइन भी। अटलांटिक ओशन के साउथ जॉर्जिया में जब फोटोग्राफर यवैस एडम सील्स और पेंगुइन्स को फिल्माने गए तो उन्होंने ये अजीबोगरीब पेंगुइन देखा। हजारों पेंगुइन्स के बीच ये येलो पेंगुइन अलग ही चमक रहा था, क्योंकि आज तक पीला पेंगुइन किसी ने भी नहीं देखा था। ऑफकोर्स एल्बिनिज्म के चलते कई जानवरों का रंग सफ़ेद हो जाता है, पर आज तक सिर्फ यही एकमात्र पीला पेंगुइन है जो रिकॉग्नाइज किया गया है। इवन एडम्स भी इस पेंगुइन को महज 1 से 1.5 मिनट तक ही देख पाए थे, क्योंकि उसके बाद ये पेंगुइन समुंदर की लहरों में फिर से गायब हो गया था। फ्लाइंग पीकॉक। इस धरती पर बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसे कि पेंगुइन, कैसोवेरी, शुतुरमुर्ग और मोर। मोर उड़ सकते हैं, पर थोड़ी दूर तक, क्योंकि एक तो इनका वजन बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा इनकी रनिंग स्पीड, जो कि हम इंसानों से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से इन्हें उड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे अगर आपने उड़ता हुआ मोर नहीं देखा है तो चलिए आज देख लीजिए, क्योंकि उड़ते वक्त मोर और भी ज्यादा मनमोहक लगते हैं। जरा इस फोटो को देखिए, और इस फोटो को भी, और इस फोटो को भी, है ना आंखों को सुकून देने वाला दृश्य। वैसे व्हाइट पीकॉक जब अपने फैदर स्प्रेड करते हैं तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, और ऐसे लगता है मानो इंद्रलोक का कोई पक्षी धरती पर ही उतर आया हो। तो ये थी आज की दुनिया की 10 सबसे अनोखी चीजें और घटनाएं, जो कि शायद आपने पहली बार देखी होंगी। वैसे क्या आपने नोटिस किया कि नंबर 3 से 10 तक सभी चीजें एक लॉजिक से कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।